तो हाय एवरीवन, आप सभी का वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल आज की दुबई में। तो गाइस, इंस्टाग्राम की चार ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो शायद ही आपने इनमें से कोई सा भी फीचर यूज नहीं किया हुआ, जिनको देखने के बाद आप कहोगे थैंक यू। तो गाइस, जान लेते हैं कौन कौन सी वो टिप्स एंड ट्रिक्स है। चलिए चलते हैं सबसे पहले इंस्टाग्राम पे। तो गाइस, यहाँ पे लास्ट वाली जो सेटिंग्स है वो बहुत ही कमाल की इंटरेस्टिंग है। चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट टिप के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप चाहते हो मैं किसी को यहाँ पे मैसेज करूँ, चलिए यहाँ पे आपको लाइव में दिखा देता हूँ कि अगर आप चाहते हो किसी को मैं सामने वाले पर्सन को मैसेज करूं और उस सामने वाले बंदे को पता ना चले, मतलब मैसेज का नोटिफिकेशन नहीं जाना चाहिए, तो आपको यहाँ पे उस पर क्लिक करना है। आपको ये है यूज करना है, यहाँ पे देख रहा हूँ जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे साइलेंस का ऑप्शन आएगा। साइलेंट करना है, यहाँ पे आप उसको कुछ भी टाइप कर सकते हो और भाई कुछ भी, मतलब जो भी आपको सेंड करना है आप भेज सकते हो, ठीक है। तो ये जो आपने जो मैसेज किया है उसका नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, ठीक है ना भाई। इस तरीके से यूज करना है, यहाँ पे स्लैश का यूज करना है, फिर आपको यहाँ पे साइलेंस का ऑप्शन आ जाएगा, ऐसे करो। तो चलिए बात करते हैं सेकंड ट्रिप टिप। यहाँ पे अगर आप किसी की स्टोरी चेक करना चाहते हो, मतलब उसको सामने वाले पर्सन को पता होना चले कि भाई मतलब मेरी स्टोरी किसी ने देखी, अच्छा आप किसी का भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको लाइव में दिखा देता हूँ किस तरीके से आप देख सकते हो। चलिए यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, इधर मैं ये स्टोरी देखना चाहता हूँ बट इसको पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो मैं इससे पीछे वाली एक स्टोरी को क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे उसको आप देख सकते हो, इससे पीछे वाली स्टोरी हम कैसे तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से थोड़ा सा स्लाइस करना है, पूरा नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे आप पूरा अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो क्या डाल रखा है, क्या नहीं डाल रखा, और आप इसको हटा सकते हो, ठीक है। किसी को पता भी नहीं चलेगा हमने क्या स्टोरीज का सीन किया भी कि नहीं कराया, ठीक है। चलिए बात करते हैं टिप नंबर थ्री की। तो क्या सबसे पहले यहाँ पे आपको एक मैं मैसेज करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ मैं लिखता हूँ एक से थैंक यू, ठीक है। मैंने थैंक यू लिखा है, यहाँ पे पूरा क्या आएगा लिख के एकदम से आ गया ना, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, मेरे भाई दिल से, ठीक है ना। इमोजी वगैरह सब कुछ आ गया ऑटोमेटिक, सिर्फ मैंने टी वाई लिखा, ठीक है भाई। अभी मैं जी लिखता हूँ, यहाँ पे आप देखो मैंने जी लिखा और यहाँ पे मैसेज कर दिया, यहाँ पे गुड मॉर्निंग आ गया पूरा, मतलब ये शॉर्टकट है अगर आप किसी से बात करना चाहते हो, मतलब किसी तरीके से आपको छोटा छोटा सा। तो चलिए पत्ते बात बताते हैं आप किस तरीके से ये सेटिंग ऑन कर सकते हो, ठीक है भाई। सो कैसे यूज कर सकते हो, सबसे पहले आ जाइए अपने इंस्टाग्राम पे, ठीक है भाई। यहाँ पे आपको प्रोफाइल पे आ जाना है, आपको अपना अकाउंट है ना प्रोफेशनल होना चाहिए, पर्सनल नहीं, प्रोफेशनल का लेना है, ठीक है ना भाई। अपने अकाउंट को आप क्रिएट में सभी का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको आप किसी का मैसेज ओपन कर लेते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे यहाँ पे मैसेज खोल लेता हूँ, यहाँ पे मैसेज को ओपन करते हैं। यहाँ पे वो थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे की साइड में, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग कर रहे हैं, यहाँ पे थ्री डॉट पे इस पर क्लिक करना है, ठीक है। वैसे आपको यहाँ पे प्लस बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको सभी शॉर्ट्स का बना सकते हो जितना मर्जी जो भी है, ठीक है भाई। यहाँ पे मैं गुड का, जैसे मैंने यहाँ पे जी डी लिख देता हूँ, ठीक है, जी डी लिख दिया। अभी आपको फुल में लिख लेना है गुड नाइट, और इमोजी वगैरह डाल सकते हो कुछ भी, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है ना भाई। चलिए अभी मैं अपने मैसेज करता हूँ जी डी, ठीक है ना। यहाँ पे देखो पूरा आ गया गुड नाइट। तो है ना मज़ेदार ये वाली टिप, अगर आप किसी से बात करना चाहते हो इस तरीके से आपको आपका टाइम बचेगा भाई, इस तरीके से अगर चैटिंग वगैरह करते हो। बात करते हैं लास्ट सेटिंग के बारे में, यहाँ पे हमें कोई भी रील्स वगैरह देखते हैं, मैं उसे नहीं छोड़ सकती कर देता हूँ, ठीक है भाई। अगर आप इसको किसी को शेयर करना चाहते हो तो आप जैसे क्या करते हो, यहाँ पे शेयर के बटन पर क्लिक करते हो, यहाँ से आपको सर्च करते हो, मतलब किसी को भी डाल सकते हो, ठीक है ना, किसी को भेजते हो। आपको ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको सीधा से यहाँ पे शेयर वाले बटन पे, वो ये शेयर वाला बटन दिख रहा है, आपको उसको दो सेकंड एक सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। यहाँ पे आप चाहो तो किसी को भी डायरेक्ट इस तरीके से यहाँ से रील्स वगैरह सेंड कर सकते हो, ठीक है ना भाई। तो ये ना कमाल का फीचर्स, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको इनमें से कौन से फीचर्स के बारे में, कौन से मतलब टिप के बारे में पता हुआ था पहले से ऑलरेडी, और आपको जिसका पता था आप कमेंट करके बताइएगा, जिसका नहीं पता था नहीं बताइए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है इंस्टाग्राम की रील से रिलेटेड, रील्स पे आप किस तरीके से कैसे क्या कॉन्टेंट दो के किस तरीके से आप रील्स अपना वायरल कर सकते हो, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी टिप एंड ट्रिक जानने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल।